पूरे प्रदेश में अपना सुपड़ा साफ होता देखकर कांग्रेस और उसके पिछलू दल मात्र अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए आए दिन भाजपा के खिलाफ एक के बाद एक भ्रामक दुष्प्रचार करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। ये बात भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश भाजपा सह प्रवक्ता नरेंद्र अत्री ने जिला भाजपा युवा मोर्चा की बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने युवा मोर्चा पदाधिकारियों से आह्वान किया कि वे भाजपा सरकार की उपलब्धियों के माध्यम से कांग्रेस के दुष्प्रचार का जवाब दें। जिन जिन वर्गों का शोषण कांग्रेस और उनके सहयोगी दल आजादी के उपरांत सालों तक मात्र वोट प्राप्त करने को करते रहे, उन्हीं वर्गों के उत्थान के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 4 वर्षों के कार्यकाल में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। की बैठक भारतीय जनता युवा मोर्चा की आज यहाँ हुई। बैठक में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, युवा मोर्चा का कार्यकर्ता जो भ्रामक प्रचार आज प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कांग्रेस और उसके पिछलग्गू संगठन कर रहे हैं, उसका जवाब दिया जाए। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने तय किया कि आक्रामक तौर पर भ्रामक प्रचार का जवाब दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में पिछले 4 वर्षों में और प्रदेश के अंदर अपने छोटे से कार्यकाल के अंदर शानदार कार्य करके शानदार उपस्थिति आम जनमानस के बीच में दर्ज की है। और जो लोग मात्र अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए आए दिन भ्रामक तरह का प्रचार करते हैं, उसका आक्रामक तौर पर अपनी उपलब्धियां प्रदर्शित करके जवाब दिया जाएगा। आज हमारे यहाँ पे जिला स्तरीय मीटिंग युवा मोर्चा की करवाई गई, जिसमें कि मुख्य रूप से हमारे प्रदेश के मीडिया प्रभारी नरेंद्र भाई अत्री जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मीटिंग का उद्देश्य रहा आगामी हमारे 10 अप्रैल को धूमल जी के जन्मदिवस पर युवा मोर्चा थोड़ी सी भागीदारी अपनी करेगा जिला भर में, और हमारा आगामी थोड़ा सा अभी युवा मोर्चा एक योजना बना रहा है कि हम पंचायत स्तर पे यहाँ पे खेलों का आयोजन करेंगे, और यहाँ से हम जिला भर से अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो हमारे नवयुवक हैं उनको निकालेंगे, और जो कि आगे जाके हमारे प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेंगे। इस मौके पर जिला भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष अभिवीर सिंह लवली ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अनिल परमार, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशाल पठानिया, हमीरपुर भाजपा मंडल के अध्यक्ष पंकज मिन्हास, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास शर्मा के अलावा अजय रिंटू आदि मौजूद रहे।